एवरीडे इज अ गुड डे फॉर राइड और अगर आप एक बाइक ट्रैवलर बनना चाहते हैं तो इस लाइन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें been... and... मुझसे अक्सर फेसबुक पर लोग पूछते हैं कि बाइक ट्रैवलिंग के बारे में कुछ टिप्स बता दें तो प्रजेंटिंग टू यू फाइव गोल्डन रूल्स टू बी अ बाइक ट्रैवलर बाइक राइडिंग में सबसे पहली चीज़ आती है आपका पैशन अगर आप पैशनेट हैं तब ही बाइक राइडिंग को चूज़ करें अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है हमारे ग्रुप के एक बड़े इंस्पायरिंग से साथी हैं बिलाल खान और उसकी वजह से मुझे बाइक राइडिंग का शौक़ भी है और मुझे उससे इंस्पिरेशन भी मिलती है और वो ऐसा बंदा है कि उसको आप रात को तीन बजे भी गए कि ये प्लान है तो उसका एक ही जवाब होगा चलो फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है बाइक सिलेक्शन आज मैं ये मिथ क्लियर करने वाला हूँ कि बाइक का इतना कोई ज़्यादा ट्रैवलिंग पे इफेक्ट नहीं होता हाँ कंफर्ट ज़रूर होती है लेकिन आप किसी भी बाइक पे पाकिस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हैं आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस अब बात कर लेते हैं कि जो बाइक्स अवेलेबल हैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हायर रेंज ऑफ बाइक जो कि ट्रैवलिंग मशीनस होती हैं उनकी बात नहीं कर रहा हमारे जो लोकल वेरियंट्स हैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ उसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन बाइक्स में से है या तो वो है होंडा का वन टू फाइव या फिर या का वाई बी आर वन टू फाइव वाई बी आर जो है वो कंफर्ट वाइज वन टू फाइव से थोड़ा सा बेटर है तो अगर आप एक न्यू बाइक परचेज़ करना चाह रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि वाई बी आर चूज़ करें फिर अगर आप इससे थोड़ा सा अपर रेंज में जाएंगे तो आपको सुजुकी 150 मिल जाएगा और होंडा 150 मिल जाएगा दूसरी बात ये कि जब भी आप किसी भी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो हमेशा मेक श्योर sure कि आपका बाइक इज़ इन गुड कंडीशन अदरवाइज़ आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी वो तो मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ वो ये कि अगर आप किसी लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं जैसे आप लेट सपोज खजराब जा रहे हैं सगर्दू जा रहे हैं चित्राल जा रहे हैं आ, या कश्मीर में कहीं दूर जा रहे हैं तो बेटर ये है कि अपने बाइक के दोनों टायर्स चेंज करवा लें और लोकल लैंग्वेज में जो टायर्स के नाम है वो वन टू फाइव के लिए पिछला टायर जो है वो एट प्लाई का होना चाहिए यानी कि आठ प्लाई का और अगला टायर छः प्लाई का और अगर आपके पास सी डी सेवेंटी है या चाइना की कोई सेवेंटी एट सी सी बाइक है तो पिछला टायर छः प्लाई का और अगला टायर चार प्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी चाहिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना बैग रेडी करना बाइक राइडिंग के अंदर वी डोंट हैव द लिबर्टी टू कैरी लॉर्ड स्टफ़ विद अस, बिकॉज बड़ी लिमिटेड सी स्पेस होती है तो हम घर का सारा जायज़ उठा के नहीं ला सकते तो एक ही बैग के अंदर अपने कपड़े ज़रूरी सामान और गैजेट्स को कैरी करना इज मोर लाइक एन आर्ट और मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि कम से कम कपड़े कैरी करें और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ऑब्वियसली आपको गैजेट्स भी कैरी करने पड़ेंगे उसके लिए या तो आप एक सेपरेट बैग बनाएं जो कि छोटा होना चाहिए ताकि आप उसको इजीली कैरी भी कर सकें और या फिर एक ही बैग के अंदर अपने गैजेट्स भी कैरी करें और अगर आप एक ही बैग यूज़ कर रहे हैं तो गैजेट्स ऑन द टॉप होने चाहिए क्योंकि आप उनको कन्वीनियंटली कहीं भी निकाल सकें इसके अलावा बाकी क्या सामान साथ होना चाहिए वो हम नेक्स्ट पोर्शन में डिस्कस करते हैं विच इज़ रूल नंबर फोर बाइक पर ट्रैवलिंग करते हुए हमेशा आपने कुछ चीज़ें लाजमी अपने साथ कैरी करनी जिसमें नंबर वन चीज़ है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे बाइक के डॉक्यूमेंट्स हो गए एन हो गया ये लाजमी कैरी करें क्योंकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है सेकेंड इज़ बाइक के इम्पॉटेंट स्पेयर पार्ट्स अपने बाइक के हिसाब से जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे पास स्पेयर होने चाहिए मैं यूजली एक, एक एक्स्ट्रा टायर ट्यूब कैरी करता हूँ ताकि हमें कहीं पे भी इशू आए तो हम ट्यूब चेंज कर सकें उसके बाद आती है फ़र्स्ट एड किट फर्स्ट एड किट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप यूजुअली रिमोट एरियाज़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं जहाँ पर तीन चार घंटे के लिए बीच में ज़्यादातर ट्रैफिक नहीं होती या आबादी नहीं होती तो फर्स्ट एड किट कैरी करना सूटबल उसके बाद नॉर्थ का जो वेदर होता है बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा होता है तो उसके हिसाब से गर्म कपड़े जैकेट और एक रेन बहुत ज़रूरी है कुछ एरियाज़ ऐसे आते हैं फॉर एग्जांपल चित्राल या चिलास जहाँ अनएक्सपेक्टेडली गर्मी शुरू हो जाती है और सन बर्न भी होता है क्योंकि ऑब्वियसली आप सन से एक्सपोज होते हैं तो सन ब्लॉक अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं दीज आर द बेसिक थिंग्स इसके अलावा एस्पर एज़ पर योर नीड अगर आप कोई चीज़ फ़र्दर कैरी करना चाहें बट कोशिश करें कि सामान लिमिटेड होना चाहिए फिर आती है लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं इसको फोर्थ रूल में भी ऐड कर सकता था बट दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थॉट कि इसको इसका एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए विच इज़ पंक्चर किट एंड एयर पम्प मैं अक्सर बाइक राइडिंग के फ़वाद पे अपने दोस्तों से बात करता रहता हूँ और किसी दिन हम इसके फ़जाइल पे कंप्लीट वीडियो बनाएंगे लेकिन बाइक राइडिंग के नुकसान में से सबसे बड़ा नुकसान और शायद यही एक नुकसान है वो ये है कि अगर ये बाइक पंचर हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है तो पंक्चर किट कैरी करना बहुत इम्पोर्टेंट है और कैरी करने के साथ साथ आपको पंक्चर लगाना भी आना चाहिए चाहे आपके पास कपड़े हों या ना हो चाहे आपके पास गैजेट्स हों या ना हो चाहे आपके पास प्लान भी ना हो लेकिन पंचर किट हमेशा रखनी है और ऑब्वियसली एयर पम्प ताकि आप पंचर लगाने के बाद आ, हवा भर सकें सो दोज़ वर द फाइव बेसिक रूल्स टू बी ए बाइक ट्रैवलर दैट्स ऑल फॉर टुडे माय नेम इज़ आवी आप देख रहे हैं डेजा ब्लॉग्स